नमस्कार, मैं हूँ रोशनी सिंह और आप सभी का स्वागत है आईपीएल अड्डा में, जहाँ आपको मिलती है आईपीएल की ताज़ा खबरें। आईपीएल 2023 में हर दिन कुछ ना कुछ नया देखने को मिल रहा है। कल के मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आईपीएल 2023 का ये 42वां मुकाबला था। ये मैच मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेला गया। ये मैच वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। इस मैच में रोहित शर्मा की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया टीम के डेविड ने आखिरी में जो कमाल किया उसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। आखिरी ओवर में डेविड ने अपनी पहली 3 बॉल पर लगातार छक्के जड़े और मैच जीत लिया। इस आईपीएल सीजन का ये तीसरा बेस्ट स्ट्राइक रेट रहा। मुंबई इंडियंस की ये जीत रिकॉर्ड के मायनों में भी काफ़ी बड़ी जीत रही। इस सीजन में मुंबई इंडियंस ने 8वें मुकाबले में अपनी 4थी जीत दर्ज की। वहीं पिछले साल की रनरअप राजस्थान रॉयल्स को 9वें मैच में सीजन की 4थी हार झेलनी पड़ी। टीम ने वानखेड़े स्टेडियम आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा लक्ष्य चेज किया। वहीं ओवरऑल आईपीएल का ये 4था सबसे सफल रन चेज रहा। इस मुकाबले में पहले खेलते हुए राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी जायसवाल की 124 रनों की शतकीय पारी की बदौलत 212 रनों का स्कोर खड़ा कर दिया। जवाब में मुंबई इंडियंस ने 19.3 ओवर में 6 विकेट खोकर यह लक्ष्य हासिल कर लिया। आपको बता दें कि रविवार को 2 मुकाबले खेले गए थे। पहला मैच चेन्नई सुपर किंग और पंजाब किंग्स के बीच हुआ। इस मैच में चेन्नई ने 200 रन का स्कोर खड़ा किया, जिसे रोमांच मुकाबले में पंजाब किंग्स ने हासिल करते हुए जीत दर्ज की। इसके बाद 1000वें मैच में राजस्थान के 213 रनों के लक्ष्य को मुंबई ने हासिल कर लिया। आईपीएल इतिहास में ये पहली बार हुआ कि एक ही दिन की चारों पारियों में 200 का आंकड़ा टीमों ने छुआ। इतना ही नहीं, ये भी खास रहा कि दोनों मैच में 200 प्लस का लक्ष्य भी चेज हुआ। ऑस्ट्रेलिया टीम के डेविड ने जो कमाल किया वो आईपीएल में कभी कभी ही देखने को मिलता है। उन्होंने आखिरी में मुंबई के लिए जो धूम मचाई उसने किरण पोलार्ड की याद दिला दी। उन्होंने 14 गेंदों पर ही 45 रन ठोक दिए, जिसमें 2 चौके और 5 छक्के शामिल थे। उन्होंने 321.42 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, जो इस सीजन का तीसरा बेस्ट रहा। इससे पहले पंजाब के जितेश शर्मा ने 7 गेंदों पर 25 रन बनाए और लखनऊ के निकोलस पूरन ने 19 गेंदों पर 62 रन ठोके। उन्होंने वेस्ट इंडीज के जेसन होल्डर पर आखिरी ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर मुंबई को शानदार जीत दिला दी। इसी के साथ आईपीएल का ये 1000वां मैच हमेशा के लिए यादगार बन गया। आइए अब बात करते हैं जिसको पंजाब किंग्स ने दिया आईपीएल में डेब्यू करने का मौका। ये मौका पंजाब किंग्स के गुरनूर बरार को दिया। गुरनूर वही तेज गेंदबाज है जिन्हें खिलाड़ियों के ऑक्शन में कोई खरीदार नहीं मिला था। उन्हें पंजाब ने रिप्लेसमेंट खिलाड़ी के रूप में टीम के साथ जोड़ा है। 22 वर्षीय गुरनूर बरार को पंजाब किंग्स ने चोटिल तेज गेंदबाज राजबावा की जगह टीम में शामिल किया है। राजबावा को पंजाब ने ऑक्शन में 2 करोड़ में खरीदा था। राज आनंद बावा ने भारत को अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने में अहम भूमिका भी निभाई है। उनकी जगह पर पंजाब ने गुरनूर को 20 लाख में अपने साथ जोड़ा है। गुरनूर सिंह बरार का जन्म 25 मई 2000 में पंजाब में हुआ है। उन्होंने डीएवी कॉलेज से चंडीगढ़ से शारीरिक शिक्षा बीपीएडी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। गुरनूर बरार एक भारतीय क्रिकेटर हैं जो अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में पंजाब का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने बचपन में क्रिकेट खेलना शुरू किया और कोच वरिंदर सिंह और आयुष के तहत पंजाब के मोहाली में लॉन्च पैड क्रिकेट अकेडमी में परीक्षण लिया। वो अपने स्कूल और कॉलेज के लिए क्रिकेट खेलते थे और साल 2019 में डीएवी कॉलेज के लिए रेड बुल कैंपस क्रिकेट नेशनल जीता है। गुरनूर बरार लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 3 ओवर की गेंदबाजी में 42 रन दिए, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। कप्तान शिखर धवन ने पंजाब की पारी का पहला ओवर गुरनूर से डलवाया। गुरनूर की पहली ही गेंद पर विपक्षी टीम के कप्तान केएल राहुल का कैच अर्थव टाइडे ने ड्रॉप कर दिया। गुरनूर तेज गेंदबाजी के अलावा निचले क्रम में आकर ताबड़तोड़ बैटिंग करने की भी काबिलियत रखते हैं। उन्होंने साल 2022 में फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू किया था। वहीं इसी साल 2023 में जम्मू एंड कश्मीर के खिलाफ पंजाब की ओर से 9वें नंबर पर उतरकर ताबड़तोड़ 64 रन बनाए थे। पंजाब के पेसर ने रेलवे के खिलाफ अपने डेब्यू मैच में 16 रन देकर 4 विकेट चटकाए। उन्होंने अपने 12.3 ओवर की गेंदबाजी में 5 ओवर में मैडन फेंके थे। रेलवे को 102 रन पर ढेर करने में गुरनूर ने अहम भूमिका निभाई थी।
गुरनूर ने 5 फर्स्ट क्लास मैचों में अभी तक 7 विकेट चटकाए हैं। इस दौरान उन्होंने 107 रन बनाए जिसमें 64 रन उनका बेस्ट स्कोर रहा। लिस्ट ए के एक मैच में उनके नाम एक विकेट दर्ज है। उन्होंने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ अपने T20 करियर की शुरुआत की। वो राजस्थान रॉयल्स के स्काउट्स भी रहे हैं, हालांकि राजस्थान ने उन्हें स्काउट्स में जगह नहीं दी। मुंबई इंडियंस टीम के वो नेट बॉलर भी रह चुके हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें।